टीवी के फेमस रियलिटी शो इंडियन आइडल के सीजन 12 के सेट पर हाल ही में लेजेंडरी सिंगर किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार पहुंचे और किशोर कुमार के लाडले अमित कुमार ने कई राज से इस शो में पर्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने सिंगिंग को लेकर भी कई बातें की। उन्होंने बताया उनके पिता किशोर से हो गई थी एक गलती, उनकी सुपरहिट सॉन्ग मेरे दिल में आज क्या है इस गाने को लेकर उनसे बड़ी भूल हो गई थी। किशोर कुमार ने इस पर काफ़ी काम किया था, अपना गलती वो सुधारना चाहते थे लेकिन तब तक गाना रिलीज हो गया। 100 गाने का स्पेशल एपिसोड रखा गया किशोर कुमार को ट्रिब्यूट देने के लिए टीवी के फेमस रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 पर, जिसमें अमित कुमार शामिल हुए उनके बेटे। अब पिता किशोर कुमार को लेकर कई दिलचस्प किस्से अमित कुमार ने भी साझा किए। रविवार के स्पेशल एपिसोड में पवनदीप सिंह ने किशोर कुमार के कई गाने, जिसमें से एक मेरे दिल में आज क्या है की परफॉर्मेंस देखी। अमित कुमार ने इसे लेकर कहा, पिताजी ने इस गाने को जब रिकॉर्ड किया वह घर चले गए। घर जाने के बाद उन्होंने कुछ सोचा और अमित ने गाने की लाइन्स गाई तो मुझे कहीं छिपा दे, इस गाने को लेकर मैं तुझे कहीं छिपा दूँ, अमित ने इस पर कहा। बाबा घर गए, उन्होंने सोचा कि ये छिपा दे माँ दे क्या है इस गाने ने। फिर उन्होंने प्यारे लाल को फ़ोन किया और कहा, यार ये गाने ले पादे पादे, फिर उन्होंने अजीब लग रहा है ये कहा, तब तक ये गाना रिलीज़ हो गया। अमित ने आगे कहा, पिताजी लेकिन जब स्टेज पर इस गाने को गाते थे तो मुझे कहीं छिपा ले, मैं तुझे कहीं छिपा लूँ। अमित ने बताया पवनदीप की तारीफ करते हुए कि पवन मुझे आपकी सिंगिंग बहुत पसंद आई, आज स्माइल के साथ गाइए और जो भी करना है खुल कर करें। अमित कुमार गाना गाते हैं खुल्ला खुल्ला प्यार करेंगे, इस तरह से शो को और भी खूबसूरत अमित ने बनाया। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।